मुंबई में चिकन शावरमा खाने से 19 साल युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके स्टॉल से युवक ने चिकन शावरमा खरीदकर खाया था। मृतक की पहचान प्रथमेश भोसके के रूप में हुई है और उसने 3 मई को ट्रोम्बे इलाके में स्थित स्टॉल से चिकन शावरमा खरीदकर खाया था। पुलिस ने शावरमा का सैंपल जांच के लिए भेजा है और स्टॉल चलाने वाले आनंद कांबले और मोहम्मद अहमद रायजा शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दुकानदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रथमेश भोसके ने 3 मई को शावरमा खाया था। इसके बाद 4 मई को उनको पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। इसके बाद भोसके के परिजन उन्हें नजदीकी नगरपालिका अस्पताल ले गए। बाद में फिर उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते 5 मई को परिवार के सदस्य उसे नगर निगम संचालित केईएम अस्पताल ले गए। ट्रोम्बे थाने के एक अधिकारी ने कहा कि डॉक्टरों ने इलाज के बाद प्रथमेश को घर भेज दिया था। पुलिस ने बताया कि घर वापस लौटने पर प्रथमेश की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, इसलिए उन्हें शाम को फिर से केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां एक चिकित्सक ने जांच कर उसे भर्ती कर लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान प्रथमेश की मौत हो गई। जब डॉक्टरों को मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और 273 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने फूड स्टॉल लगाने वाले आनंद कांबले और मोहम्मद अहमद रायजा शेख को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया।